Excuse me, kya re? Mera dil tere pe fida re. Excuse me, kya re? Arre tu ja re. Khud ko kho ke tujhko paya. Main mata chhodu jo isme aaya. Chal hat, nikal meri zindagi se. Teri jaisi bahut aayi. Kya kar raha? भोसड़ी का जहाँ सा लिख रहा है यही छोड़ दूंगी जितने हैं तुम सारे का सारे यार तुम्हारे सैंडल्स तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा उतारूं क्या? अच्छा यार ऐसे में तो तुम्हारे कपड़े भी बहुत अच्छे हैं। रुको जरा सबर करो। खोल दो कपड़े अपने। खोल दो। अरे खोलो भाई। अरे खोलो। खड़ा होता भी है या नहीं? यहाँ से लौड़ा फेंक के मारूंगा ना तो पूरा खानदान छूट जाएगा तुम्हारा। म्यूजिक शादी क्यों कर रही हो? क्यों तुम्हें बुरा लग रहा है? हाँ लग रहा है। कौन हमें तुम्हारी शर्म? लौड़े हो तुम छोटी लुल्ली वाले वो भी टेढ़े वाले। बेबी हाँ आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? आपके लिए तो मैं जान भी दे सकती हूँ। अरे बेबी जान देने की जरूरत नहीं है, बस एक बार अपने नरम नरम गांड दे दो। एक्सक्यूज मी ABCDEFG इन फ्यूचर विल यू मैरी मी? Well, I don't think तेरी शायरी सुन के मैं गया हूँ पिघल। निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल। अभी अभी उठाऊ मैं चाय पीऊंगा नहाऊंगा उसके बाद टिकटॉक की वीडियो बनाऊंगा घर वालों की गालियां खाऊंगा और रात को फ्री की रोटी खा के मुंह मिले के सो जाऊंगा। सब लड़कियों पे मरते थे मैं गांडू पे मरता था और वो कहते हैं तुम मेरी बराबरी के नहीं। बात तो सही है। तब मैं गांड में उंगली करता था। तुमने कुछ किया क्यों नहीं? क्या तुमने कुछ किया क्यों नहीं? मैं और भी कुछ कर सकता था। किया क्यों नहीं? तो चूतिया किया क्यों नहीं? तू उधर उठते चले ना। है ना? नहीं है ना? नहीं म्यूजिक रुको जरा सबर करो। मैं और भी कुछ कर सकता था। किया क्यों नहीं? और क्या करता तू आगे जाके? क्या करता उसके साथ? म्यूजिक तो क्या हाल चाल है गैंग मेंबर्स? पता है आज हम बकचोदी से दूर थोड़े सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे और वो है फेमिनिज्म। देखो यार मेरा और आप में से बहुत लोगों का यही मानना होगा कि फेमिनिज्म और विमेन एम्पावरमेंट एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये फेक फेमिनिज्म / स्यूडो फेमिनिज्म तकती है। ओमाए वा मो शिंदेइरु नानी फेक फेमिनिज्म सूखी हुई टट्टी है बहन चोद। यार पिछले दो दिन से MTV रोडीज की एक क्लिप वायरल हो रही है और अगर यार तुमने अभी तक नहीं देखा है ना तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है, नहीं क्यों क्यों हो इस दुनिया में आप? इस धरती पे आने का मकसद क्या है आपका? खैर अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो फिक्र नॉट, ये रही वो वीडियो। I found out, सबको एक साथ खड़ा किया लाइन में और लड़की को लेके आया। इट वॉज अ इम्पल्सिव डिसीजन। मैं और भी कुछ कर सकता था पर मैंने फिर उसको चाटा लगा दिया बिकॉज जो वो कर रही थी वो बहुत गलत था। ये जो तू बोल रहा है ना एक नहीं पांच लड़कों के साथ गई थी, सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। ऑफ कोर्स। या ओ मिसेस नेहा चूतिया, ओ सॉरी आई मीन मिसेस नेहा धूपिया, उसे चॉइस नहीं चीटिंग बोलते हैं। इनके हिसाब से ना एक लड़की पांच लोगों का चूतिया काट के गांड मार सकती है लेकिन एक लड़का जिसका चूतिया कटा हुआ है ऑलरेडी एक थप्पड़ नहीं मार सकता। वाह रे फेमिनिज्म वाह। मे बी द प्रॉब्लम लाइज विद यू,
चेक योरसेल्फ फर्स्ट। नेहा भूतिया, ओह सॉरी, नेहा धूपिया के इस बात से तो मैं भी अग्री करूंगा। प्रॉब्लम तो इसमें है भाई, ये भाई चूतिया, सॉरी अखंड चूतिया है बहनचोद। इस शो में जाता कौन है बहनचोद? नहीं, अच्छी खासी शकल है, जाके मॉडलिंग वॉडलिंग में ट्राई करो, बॉडी भी अच्छी है। लेकिन नहीं, लेकिन नहीं, तुम्हारे गारमेंट चनूने चनूने काट रहा है। अगर वो वहां जाके चीट कर रही है, मे बी शी वाज फीलिंग थ्रेटन्ड बाय यू, मे बी यू आर नॉट प्रोवाइडिंग फिजिकली मेंटली इमोशनली व्हाटएवर शी नीडेड। डोंट से कि मैं सब करता था। एक मिनट मिस नेहा भूतिया, ओह सॉरी नेहा धूपिया, यार बहनचोद ये नाम बार बार क्यों उल्टा हो रहा है मेरे से। चलो मान लिया कि ये बंदा अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था, तो वो दूसरे के पास गई, वो भी अच्छे से नहीं ट्रीट कर रहा था, जो वो तीसरे के पास गई, जो वो भी नहीं कर रहा था, जो चौथे और पांचवे के पास गई, बहनचोद क्या चाहिए था उसको, जो उसे पांच लड़कों में नहीं मिल रहा था। Nobody gives you the fucking right to slap a girl. यार फेक फेमिनिस्ट की ना यही प्रॉब्लम है। अभी कुछ वीक पहले रॉडीज के एक ऑडिशंस में एक लड़की ने बोला कि उसने चार लड़कों को थप्पड़ मारा, इन चार चमन चूतियों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। ये तो कुछ भी नहीं, इनका बस चले तो लड़की को छोटा मोटा भारत रत्न भी दे दे बहनचोद। एट द सेम प्लेस एक लड़के ने लड़की को स्लैप किया तो इनकी गांड के चंडाल बाल कूदने लगे। यार देखो फेक फेमिनिज्म कितना डेंजरस साबित हो सकता है, इसका अंदाजा आप सरबजीत सिंह के केस से लगा सकते हो। फेक एलिगेशन से बंदे को जॉब से मोलेस्टर कह के निकाल दिया गया, 4 से 5 साल तक कोर्ट कचहरी का चक्कर काटता रहा, नेशनल टीवी पे दिल्ली का दरिंदा घोषित कर दिया गया। यार ऐसे बहुत सारे केसेस तुमको मिल जाएंगे। और यार ये बात ना मैं लड़कियों से भी बोलना चाहता हूँ कि फेक फेमिनिज्म से तुम भी डरो, क्या पता कल को इसका शिकार तुम्हारा खुद का भाई हो जाए। ठीक है, तू चूतिया है, you're an asshole. Sir, And I'll tell you why. I'll tell you why. दो साल के बाद I'll tell you why you're an asshole. Now shut the fuck up. देखो चूतिया बोल भी कौन रहा है, रोडीज का जज, लिटरली चूतियों का जज बहनचोद। और यार एक मिनट, ये हर बात पे फक 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 करना जरूरी है क्या? फक हर, फक हिम, फक देम, फक लौड़ा, फक लसन, बहनचोद हर चीज में फक 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 फक, ऐसा लग रहा है जैसे ब्रह्मांड स्तर का गैंग बैंग हो रहा है बहनचोद। सर इफ आई एम शोइंग ऑन द इफ आई एम लेट्स से आई एम एंग्री मदरफकर एंड एक्सपेक्ट यू टू बी एंग्री विद मी। देखो यार वैसे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बंदे ना बहुत शांत होते हैं, लेकिन अगर इस बंदे की जगह पे कोई उत्तर प्रदेश का बंदा होता ना, छछुंदर की गहरी गांड के छठे छेद से निकले हुए इस प्राणी को कान के नीचे ऐसा कंटाप लगाता ना कि ये गांड से हगना शुरू कर देता। नहीं अब तुम बोलोगे कि गांड से तो सभी हगते हैं, लेकिन नहीं, ये भोसड़ी का मुंह से हग रहा है, देखो ना भाई। अरे भैया बहनचोद क्या गलती है इसमें, भोसड़ी के दिमाग है या नहीं, गांड से सोचता है बहनचोद। लिटरली शी वाज यूजिंग हिम, और तुझे कुछ गलती नहीं लग रहा बहनचोद? यार देखो इसे कितना भी बोल लो ना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे बड़ा चूतिया तो ये है, तू भोसड़ी के गया ही क्यों वहाँ पे। Who the fuck are you to expect anything from anyone? Who the fuck are you to expect fucking loyalty even from your own pet dog? Who the fuck are you? भोसड़ी के human nature बोलते हैं उसे, emotions बोलते हैं उसे। अगर आप किसी को सच्चे दिल से प्यार करते हो ना तो expectations खुद ही आ जाती है कि वो बंदा भी आपको प्यार करे। जैसे एक माँ बाप को अपने बच्चे से expectations होती हैं, एक बच्चे को अपने माँ बाप से expectations होती हैं। तू तो भोसड़ी का human तो है नहीं, जादू की गांड का बवासीर, तुझे कैसे पता होगा emotions? तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट जरूर करना, बोनस कंटेंट के बारे में अपना ओपिनियन जरूर बताना। और यार आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस मंथ का मैंने 40,000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है, तो प्लीज़ यार अगर वीडियो पसंद आ रहा है, कॉन्टेंट पसंद आ रहा है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। इस महीने अपने को 40,000 सब्सक्राइबर पहुँचने हैं, प्लीज़ कर दो यार। आपका कुछ नहीं जाएगा, बस मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। कैप्शन ने हिप हॉप के बार्स भर दिए, मजे मजे में टिकटॉक के स्टार रगड़ दिए, लगता सबको ये मजाक है पर मीम्स ने मंत्री सरकार बदल दिए। मेरी लाइफ को तुम सबका ड्रीम बना।